राहुल गांधी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए पूरे जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। इस बीच गुरुवार को राहुल गांधी चुनाव प्रचार के सिलसिले में उडुपी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मछुआरों से बातचीत की, उनकी परेशानियां सुनी, साथ ही ऐलान कर दिया कि जैसे ही कांग्रेस की सत्ता आएगी मछुआरों को 10 लाख रुपए का बीमा कराया जाएगा। राहुल ने जब मछुआरों से बातचीत खत्म की तो एक महिला राहुल के लिए गिफ्ट के तौर पर एक बड़ी सी मछली लेकर आई। राहुल गांधी ने भी बड़े प्यार से वो मछली महिला के हाथों से ली और फिर महिला के साथ तस्वीर खिंचाई। राहुल गांधी मछुआरों से भेंट मुलाकात के बाद राहुल गांधी उडुपी के ही महालक्ष्मी मंदिर पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने मंदिर के बाहर से ही हाथ जोड़कर माता को प्रणाम किया, लेकिन मंदिर के अंदर जाने से इनकार कर दिया। इसके पीछे वजह क्या रही ये खुद राहुल गांधी ने बताया। हाथ गंदा है, वो मच्छी पकड़ा मैंने अभी। दरअसल राहुल गांधी ने मछुआरों से मुलाकात के दौरान हाथ से मछली को पकड़ा था, और चूंकि राहुल गांधी एक के बाद एक कई चुनावी कार्यक्रम में व्यस्त थे तो हो सकता है कि उन्हें मछली पकड़ने के बाद हाथ धोने का समय ना मिला हो। इसीलिए जब राहुल गांधी मंदिर पहुंचे तो उन्होंने मंदिर के अंदर जाने से मना कर दिया, क्योंकि उनके हाथ गंदे थे और थोड़ी देर पहले ही वो मछली को पकड़ कर आए थे। उसके बाद जब साथी नेताओं ने राहुल गांधी को कन्नड़ में कुछ समझाया तो राहुल गांधी मंदिर में पहुंच गए, लेकिन मंदिर के अंदर भगवान की प्रतिमा को दूर से ही नमन किया। जब मंदिर के अंदर पुजारी राहुल गांधी को भगवान के पास चलने के लिए कहते हैं तो राहुल गांधी कहते हैं कि उनका हाथ गंदा है, क्योंकि उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले मछली को पकड़ा है, इसीलिए वो मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। इस पर मंदिर के पुजारी बाहर से ही राहुल गांधी की पूजा करा देते हैं और फिर उन्हें प्रसाद देते हैं। चुनावी यात्रा के दौरान धार्मिक मान्यताओं को सम्मान देते राहुल गांधी का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग राहुल गांधी को उनके इस कदम के लिए सराह भी रहे हैं।